जिला पुलिस बल खंडवा और उदय सामाजिक विकास संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु जिम्मेदार मर्दानगी अभियान के अंतर्गत यौन हिंसा की रोकथाम, लैंगिक संवेदनशीलता एवं सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से जिला खंडवा के नगर एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किशोर कुमार सभागृह खंडवा में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 167 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिले में पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री महेंद्र तारडेकर के मार्गदर्शन में सामाजिक सुरक्षा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण और जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए ग्राम व नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक श्री महेश दुबे, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री आनंद स्वरूप सोनी, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक गायत्री सोनी, थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी जावर निरीक्षक गंगा प्रसाद वर्मा तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य सम्मिलित हुए। एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक खंडवा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके प्रारंभ किया गया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तारनेकर के द्वारा ग्राम व नगर रक्षा समिति सदस्यों को अधिनियम ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के कार्य एवं कर्तव्य और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज खंडवा जिले में जिम्मेदार मर्दानगी नाम से एक वर्कशॉप का आयोजन पुलिस प्रशासन और उदय संस्था भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें जिले के सभी थानों से ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को आज बुलाया गया है। एक दिवसीय वर्कशॉप में आज समाज के जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके लिए खड़े होने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इस बात को लेके आज मास्टर ट्रेनर भोपाल से आए हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि खंडवा में भी बालिकाओं के अपहरण की घटनाएं काफ़ी होती हैं, तो इसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा और इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अभी खालवा, जावर, छैगांव, मोकट ऐसे थाने हैं जहाँ पर कुछ हम लोगों ने चौपालें लगाई हैं और इनके माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि स्कूल में जाने वाली बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को जागरूक किया जाए, साथ ही ग्राम स्तर पर रक्षा समिति के सदस्यों को भी और ज़्यादा उनको अधिकारों से जानकारी दी जाए, जिससे वो पुलिस के मददगार के रूप में रहें और साथ ही खंडवा ज़िले में महिलाएं, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में आज पूरे दिन में यही कार्य